नमस्कारम, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ निविया ब्रांड के 3 क्रीम के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इन 3 प्रकार के जो क्रीम हैं जो निविया ब्रांड से बिलोंग करते हैं उन्हें कैसे और कब और किस मौसम में यूज़ करना चाहिए और किस मौसम में इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहला मैं आपको बताती हूँ, निविया सॉफ्ट जो कि ग्रीन, इसका हाफ मतलब 2 पार्ट में इसका बॉक्स है, इसका जो कवर है यानी कि लीड है वो वाइट कलर के हैं और इसका जो बेस है जो कि लाइट ग्रीन कलर का है। इसमें जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि चिल्ड मिंट यानी कि होता है पुदीना, और आपको भी पता ही होगा कि पुदीना जो ठंडी तासीर का होता है, हम इसको गर्मी के मौसम में इसकी चटनी बना के खाते हैं ताकि हमें कूलिंग प्रॉपर्टी मिल सके हमारे स्टमक में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रीम में भी मिला हुआ होगा तो हम इसे ठंड के मौसम में नहीं यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस तरीके की क्रीम यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें इसे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो क्रीम है मैंने इसे गर्मी के मौसम में परचेज़ किया था, अब ये इतना कुछ रह गया है तो अब इसे मैं दोबारा गर्मी के मौसम में यूज़ करूँगी। मेरे पास 100 ml का बॉक्स है, ये कंटेनर है। ये इसमें आपको प्लेन भी मिलता है, वो आप ठंड के मौसम में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम की खास बात ये है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमारे साथ पिंपल्स आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गर्मी के मौसम में। एकदम चेहरा, कहीं भी थोड़ी सी भी हम धूप में चले जाते हैं तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो उस समय अगर ये हम क्रीम हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि इसमें मिंट की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी फेस को कूलिंग प्रॉपर्टी दे देती है इंस्टेंटली। अब बात आती है कि ठंड के मौसम में हमें फिर कौन सा क्रीम लगाना चाहिए। दूसरी बात ये भी आती है कि यही वाला ऐसा क्रीम है आज के समय में जो कि 100 साल पुराना है, और इसी क्रीम ने आज तक यानी कि इसी ब्रांड ने आज तक अभी तक इसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। और हर साल तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं निविया ब्रांड। तो ये जो ब्लू बॉक्स में जो ये निविया क्रीम है जो कि बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा भी अप्लाई कर लेते तो हमारी स्किन में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है और लगता ही नहीं है कि हमने कुछ क्रीम लगाया है। बस ये फील होता है कि हमारी स्किन ठंड के मौसम में ड्राई नहीं लगती है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, उन सभी को ये ब्लू बॉक्स का निविया क्रीम लगाना चाहिए। ये सबसे पहला लॉन्च किया हुआ क्रीम है निविया ब्रांड का, तो ये मैं हमें हमेशा अपने पास एक छोटा सा कंटेनर तो ज़रूर रखती हूँ। और मेरा एक ये भी मानना होता है कि हमेशा कोई सा भी क्रीम वगैरह खरीदें हमेशा इसे छोटे कंटेनर वाला खरीदना चाहिए, यानी कि कम से कम ml वाला। तो ये मेरे पास 29 ग्राम वाला यानी कि 30 ml का है ये मेरे पास निविया क्रीम, और मैं इसे ठंड के मौसम में यूज़ करती हूँ क्योंकि ठंड के ही मौसम में हमारी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। फिर चाहे आपकी स्किन बाकी के मौसम में कैसी भी रहती हो, पर ठंड के मौसम में तो सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो उस समय ये क्रीम ज़्यादा बेनिफिट देता है बजाय किसी और के। ये क्रीम से एक बेनिफिट ये भी होता है कि अधिकतर हमारे साथ ठंड के मौसम में थोड़ी सी भी चोट लग जाती ना तो इतनी ज़्यादा दर्द देती है कि क्या पता, ऐसा लगता है कि बड़ी चोट लग गई हो, तो उस समय भी हम ये क्रीम लगा सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा और इंस्टेंटली बेनिफिट मिलता है। तो ये जो ब्लू बॉक्स वाला जो क्रीम है ये हमें ठंड के मौसम में यूज़ करना चाहिए, जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है उनके लिए, और जिनकी ऑयली रहती है ठंड के मौसम में भी उन्हें ये क्रीम नहीं यूज़ करना चाहिए। उन्हें फिर ये सॉफ्ट निविया क्रीम यूज़ करना चाहिए जो कि प्लेन भी आता है विदाउट मिंट वाला, वो यूज़ करना चाहिए उनके लिए, वो ज़्यादा बेटर होगा जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि मेरी भी कभी कभी ऑयली स्किन हो जाती है तो मैं तब ये वाला सॉफ्ट वाला यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जैसे जैसे वातावरण बदलता रहता है तो हमारी स्किन भी अलग अलग चेंजेस देती होती रहती है, तो हमें उसी हिसाब से हमारे क्रीम का यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि बॉडी लोशन की, तो बॉडी लोशन मेरे पास निविया ब्रांड का ही है। वैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के आते हैं, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपने कभी बॉडी लोशन यूज़ नहीं किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला है निविया बॉडी लोशन एलो हाइड्रेशन, ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है। इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट, इसका एक पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है। और इसके पहले मैंने एक और यूज़ किया था जो कि शिया बटर का था, उसमें क्या रहता है, उसमें भी विटामिन ई ऑयल तो रहता है। वैसे इस वाले बॉडी लोशन में एक खास बात ये है कि इसमें विटामिन ई ऑयल नहीं है, खास बात तो नहीं कह सकती यानी कि इसमें विटामिन ई ऑयल नहीं है, इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट दिया होगा तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और ये एक प्रकार से सीरम है जो हम होममेड सीरम बनाते हैं और कभी कभी हम बना नहीं पाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, हमें घर का बना हुआ
सीरम नहीं मिल पाता है उसी समय, तो हमें ये वाला एलो हाइड्रेशन वाला बॉडी लोशन का यूज़ कर लेना चाहिए। इसका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है और ये आपको लगभग 7-8 घंटे तक तो आराम से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकता है। और ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए दिया है, जिनकी स्किन, मैंने जैसे बताया, जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है ना, तो उन्हें निविया ब्रांड का चिया बटर वाला बॉडी लोशन लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। क्योंकि मैंने इसके पहले वही लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है, तो मैंने इस बार ये वाला परचेज़ किया। ये मैंने हाल ही में ही परचेज़ किया, अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे, और इसका मुझे यानी कि 1 महीना तो हो चुका है, मैंने 1 महीने यूज़ किया, तभी मैं आप सभी के साथ इसका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ठंड के मौसम में भी नॉर्मल रहती यानी कि ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक बात ये भी है कि अगर आपकी ड्राई स्किन रहती है थोड़ी बहुत, तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, पर एक्सट्रीमली ड्राई रहती है ना, तो उनके लिए शिया बटर वाला बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि मैंने इसके पहले मैंने जो परचेज़ किया था वो शिया बटर का था, मेरे पास अभी उसका एम्प्टी कंटेनर होगा, तो मैं आप सभी के साथ वीडियो के लास्ट में ज़रूर उसकी इमेज डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। ये 400 ml का मैंने लिया, इससे छोटा भी आता है, आप पहले छोटे से शुरुआत कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र बन रहे हैं कीजिए, पर मैंने तो इसे 400 ml से यूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मैं हमेशा 400 ml का यूज़ करती हूँ। और मैंने दूसरी वजह इसलिए भी परचेज़ किया, क्योंकि ये मैंने जब अमेज़न से ऑर्डर किया था अभी दीपावली के पहले, तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला था, और अभी जैसे नए साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र देखने को मिलेंगे। जैसे कि ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं, तो ऑफ़र ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए अमेज़ॉन पे। मैं इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। कि वैसे मैं ऑफलाइन मार्केट में लेने जाती हूँ तो मुझे MRP पे ही मिलता है, उसमें मुझे कुछ भी परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं मिलता है। मैंने ठंड के मौसम में एलो हाइड्रेशन इसलिए भी लिया है ताकि हमें एलोवेरा की बेनिफिट्स तो पता ही कि कितने ज़्यादा बेनिफिट होता है एलोवेरा में, तो मैंने सोचा इस बार मैं एलोवेरा वाला परचेस कर लेती हूँ ताकि उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपको इन तीनों में से एक कॉमन बेनिफिट्स मैं बताती हूँ, सिमिलैरिटीज़ बता देती हूँ कि इन तीनों की क्रीम की एक सिमिलैरिटीज़ ही, आप कोई सा भी खरीद लो इस निविया ब्रांड का, इन सभी आपको क्रीम, बॉडी लोशन या फिर आप इसे कुछ भी कहो, इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ हमें ये देखने के लिए मिलती है कि जैसे कि हमारे स्किन के जो नेल्स होते हैं उसमें क्यूटिकल्स आ जाती है, अगर आप हाथ बार बार वॉश करते हैं, और अभी तो हम बार बार वॉश कर ही रहे हैं क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है काफ़ी ज़्यादा महीने पहले से, तो हम बार बार हाथ धोते रहते हैं, तो हमारे हाथ के जो नाखून हैं उस पर क्यूटिकल्स उभर के आ जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा, इन तीनों में से कोई सा भी आप क्रीम लगा लो ना अपने नाखून में, वो क्यूटिकल्स क्लीन हो जाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं, और स्किन भी जो ड्राई हो रही होती है, और ठंड के मौसम में कुछ ज़्यादा ही खुजली भी आती है, इरिटेट होती है स्किन, तो आप इनमें से कोई सा भी क्रीम लगा लो, आपको इंस्टेंटली बेनिफिट मिल जाता है। निविया ब्रांड की क्रीम की ये खास बात मुझे लगती है कि आप इसे छोटे से अमाउंट में भी लो, बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट हो जाता है फेस पे या फिर हाथ पे, तो ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है और तब जाके वो स्प्रेड हो पाते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी इस प्रकार से बनाई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदो, ये भी रहता है कंपनी का सेल करने का तरीका। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि इनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, अगर आपको ज़्यादा एक्सट्रीमली पंजेंट फ्रेग्रेंस स्मेल्स पसंद नहीं आती है, खुशबू अच्छी नहीं लगती जिससे आपका सिर वगैरह दुखता है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि निविया ब्रांड में ये खास बात है कि कोई सा भी आप क्रीम या मॉइस्चराइज़र खरीद लो, इनकी पंजेंट स्मेल तो बिल्कुल है ही नहीं, तीनों की लाइट खुशबू होती है, जैसे कि निविया क्रीम ब्लू बॉक्स में आता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा लाइट खुशबू होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रीम ऐसे होते हैं कि उन्हें आप लगा लो तो उसके बाद सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि उनकी स्मेल या उनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पंजेंट होती है कि सिर दर्द करने लग जाता है, तो आप अगर फ्रेग्रेंस कॉन्शियस हैं तो आप निविया ब्रांड पे जा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये था रिव्यू, आप सभी को इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपने देखा है चैनल को पहली बार तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।